हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम एक बाइक का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा एक कौन सी बाइक है। तो इसके ओनर मिस्टर दीपक कुमार मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो मेरे साथ हैं मिस्टर दीपक राव MRD व्लॉग से, और ये मेरे छोटे भाई भी हैं। इन्होंने भाई एक नई गाड़ी ली है अभी, FZX, यामा FZX। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो मिस्टर दीपक कुमार, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। थैंक यू भाई आपको अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो आप कैसे हैं भाई? मैं बढ़िया, आप बताओ। और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? सब बढ़िया, मजे में। दो दिन से रूम शिफ्टिंग कर रहे हैं और अभी फाइनली आज हुआ है रूम शिफ्ट। हाँ, मैंने देखा भाई, मैंने भी हेल्प कराई है भाई के पंखे में ही लगवा के आया हूँ यार एक्चुअली इनके रूम पे। ठीक है, तो सीरियसली इन्होंने रूम चेंज किया है। ये वीडियो भी नहीं आ रही अपने, वीडियो भी नहीं डाली इन्होंने दो दिन से। एक्चुअली थोड़ा रूम शिफ्टिंग का वो चल रहा था इस वजह से। तो भाई से हम पूछते हैं इन्होंने FZX ही क्यों ली, इनका ओनरशिप रिव्यू करते हैं। तो मिस्टर दीपक, आप बताइए आपने FZX ही क्यों ली? इसके अलावा मार्केट में और कुछ काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक अवेलेबल है भाई? इसके पीछे कई रीजन है यार। देखो, एक तो यामा का भाई भरोसा है, ठीक है, जापानी कंपनी है। दूसरा, नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया लुक। लुक तो नया है एकदम, ठीक है, यूनिक है। मतलब वही है, NS तो मेरे पास थी ऑलरेडी। तो बाइक की पीछे NS भी खड़ी है, ये भी मिस्टर दीपक की ही है। और ये नई बाइक लिए इन्होंने ऑफ रोडिंग के लिए नहीं, राइडिंग व्लॉग्स वगैरह सारे पर्पस क्लियर करती है। इन्होंने सही बोला इस बारे में। तो वही है राइडिंग, मतलब जैसे लॉन्ग राइड वगैरह के लिए। तो ये आप, कोई खास बाइक थी नहीं तो मैंने ये चूज की थी। बिल्कुल हाँ, ये कम बजट के अंदर अच्छी खासी बाइक है, लुक भी अच्छा है, काफी हैवी बाइक दिखने में लग रही है। ये हैवी दिखने में है बट है नहीं इतनी हैवी। वैसे दीपक जी, कितने सीसी की बाइक है ये? ये 150 सीसी का है, जो भाई 150 सीसी इंजन आता है ना FGS में। ओके, वो भाई बहुत भरोसेमंद है, मतलब एक तरह से। हाँ, FGS तो देखा है, बिल्कुल पुराना मॉडल है, कम से कम भी 8-9 साल पुरानी बाइक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर ये तो है कोई डाउट ही नहीं है भाई, डाउट वाली तो मतलब एक तरह से विश्वास कर सकते हैं बंद करके। यामा तो वैसे भी काफी अच्छी बाइक्स बनाता ही है। फाइन इंजन होता है, मतलब चाहे आप इसको फुल स्पीड में भी चलाओगे ना तो वाइब्रेशन नहीं है, जैसे पल्सर में 80-90 के ऊपर ऐसे पूरी कांप जाती है। कांप जाती है बिल्कुल, हाँ। तो इसमें वो सीन नहीं है, वो सीन नहीं। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई इस पे वाइब्रेशन है नहीं है, तो वाइब्रेशन भाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप 110 तक जो आराम से इसको चला सकते हो। तो भाई मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो बाइक इन्होंने ली है, जिस दिन बाइक लॉन्च हुई थी सेम डे इन्होंने ली थी। सेम डे नहीं, एक दो दिन बाद ली थी, मतलब जब ये शोरूम पे आई थी ना, लॉन्चिंग के जब भी बाद शोरूम में आया था उसमें से ली। हाँ, उसमें से इन्होंने ये बाइक ली थी। और सबसे फर्स्ट बाइक है ये गुड़गांव की, तो और बाकी का तो मेरे को नहीं पता। ये भी फर्स्ट ही है क्योंकि उनके उसमें प्रोडक्ट शो भी नहीं हुआ था उनकी ऐप में, जिससे वो लोन वगैरह करते हैं। ओके, हाँ, तो ये उन्होंने दूसरी कंपनी से लोन कराया, क्योंकि जब तक उनके में शो नहीं करेगा तो भाई डिलीवरी देंगे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात तो से मतलब ली थी उनके, एक तरह से अड़ा दी थी भाई मेरे को बाइक चाहिए ही चाहिए, यदि कोई और होता तो उनको वो नहीं देते, बोल देते भाई, भाई उनके पास काफ़ी वीडियोज़ बनाने के लिए, बाइक रिव्यूज़ वगैरह के लिए जाते रहते हैं, तो इनको वो शोरूम वाले अच्छे से जानते हैं। तो इनको फर्स्ट डे उन्होंने बाइक दे दी थी, नो इनको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको डिलीवरी के टाइम? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। सुबह गए थे हम, डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, शाम को बाइक मिल गई। तो भाई आपको कितने दिन हो गए बाइक लिए हुए? इसको ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता ही हुआ है, एक हफ्ता। तो आपने कितने किलोमीटर चला चुके हैं? ये चला दी 457 किलोमीटर। तो ये मीटर पे एक बार दिखा दो, 454 किलोमीटर चल चुकी है। 54 किलोमीटर है। ओके, भाई ने 454 किलोमीटर चला दिए और 1000 पे इसकी सर्विस, फर्स्ट सर्विस होगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बाइक में एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्या एक्सपीरियंस आपने लिया है इसमें? भाई देख, ज़्यादा तो मैंने चलाई नहीं है, मतलब 454 में से मैंने चलाई होगी लगभग 70-80-100 किलोमीटर हाईएस्ट। तो इसके तो उसमें भाई यही एक्सपीरियंस की कंफर्ट अच्छा है इस बाइक में। तो आप लॉन्ग राइड पे गए हैं इस पे कभी? जाऊंगा, अभी तो गया नहीं हूँ। अच्छा, आप लद्दाख जाने के लिए बोल रहे थे? लद्दाख से पहले और थोड़ी एक छोटी मोटी लॉन्ग राइड करूँ, क्योंकि क्या पता भाई उसी में कामयाब ना हो, तो पहले एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक चेक होना चाहिए। मान लें हम दूर जाएं और बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इतनी दूर से हम, बिल्कुल लद्दाख यहाँ से ऑलमोस्ट 1100-1200 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और नई बाइक है, इसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे अच्छे मार्केट में, तो मैं मान सकता हूँ ये बात आपकी। तो भाई एक बार आप बाइक के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताएंगे? बाइक भाई बिल्कुल रेट्रो लुकिंग है, इंडियन मार्केट में एक पहला, मतलब जो है ये सेगमेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है। बिल्कुल, तो इसका अभी क्रेज भी काफ़ी सही है। जब से मैंने बाइक ली है उसके बाद में मेरे पास ही आ चुके काफ़ी सारे कमेंट DM की, भाई मैंने भी बाइक ले ली आपकी वीडियो देख के, ये और वो। तो क्रेज़ है लोगों, मतलब बस उनको कोई बताने वाला चाहिए, एडवाइस करने वाला चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने भी आपकी वीडियो देखी, काफ़ी फाइन बाइक है, आपने उसके बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया हुआ है बाइक के बारे में, वैल्यू फॉर मनी है।
इसको आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी बाइक? ये पड़ी थी 140 की ऑन रोड। 140 की ऑन रोड पड़ी थी। मॉडल है ये जो इसका ब्लूटूथ मॉडल, ब्लूटूथ वर्जन। इसमें आप बाइक ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बाइक को। ये इसमें एक खास ही बात है, एक यूनिक सिस्टम दिया है यामा ने इसके। तो दीपक जी, आपने ये बाइक ली तो इसके बारे में आपको क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? भाई सबसे अच्छी चीज़ तो मैंने बताया कि कंफर्ट है और ऊपर से एक यूनिक है, मतलब बाइक अच्छी है। अभी मार्केट में लेके निकलता हूँ ना तो कम से कम 10 बंदों में से भाई 5-6 बंदे ऐसे जो देखते हैं बाइक, हाँ पलट के देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो दिखती नहीं है रोड पे कोई, एक रोड पे कोई नहीं, मैंने तो देखी नहीं है। ये फर्स्ट बाइक है आपकी, मैंने रोड पे देखी नहीं है बाइक। हाँ लेकिन ये एक दिन शोरूम में उतार रहे थे तब मैंने जरूर देखी थी, ये अपने सोना रोड की साइड में गया था तब मैंने देखी थी। ठीक है, और आपको इसके अंदर कुछ कमी लगी बाइक में? कमी कुछ नहीं है, बस वही है पावर थोड़ी सी कम फील होती है, बट ठीक है। मतलब यदि आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो मन भी नहीं करता ऐसी रेट्रो लुकिंग बाइक के साथ में भगाने का। या फिर ये माइलेज कितनी देती है? माइलेज देती है 40-45 तक आराम से, 40-45। हाँ, जैसे मैं चलाता हूँ रफ टफ, मतलब ओके रफ, जब आप बिल्कुल रफ चलाओगे तो ये 40-45 की आपको माइलेज दे देगी, मिनिमम 40-45। अभी टेस्ट भी कर रखा बिल्कुल, अभी इसकी सर्विसिंग वगैरह भी नहीं हुई है। फर्स्ट सर्विस वगैरह होने के बाद, कुछ चलने के बाद थोड़ी माइलेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब तीन सर्विस होती है जिनमें बाइक जो है मतलब बिल्कुल हो जाती है सेट इंजन इसका। बिल्कुल, थर्ड सर्विस के बाद में मान लो कि भाई 10-15% माइलेज इंक्रीज होती है। ओके, तो हम एक बार इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं बाइक का। वॉक अराउंड कर लो। सबसे पहले तो भाई इसका लुक देखो, मतलब अलग ही लग, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक ही लग रही है। और जो आगे से लाइट का जो लुक दिया है वो सबसे बेस्ट है। मेरे को एक यूनिक ही लुक लगा जो हम हार्ले डेविडसन वगैरह के अंदर देखते हैं, आगे से थोड़ी उस टाइप की लग रही है मेरे को तो ये फ्रंट से देखने पे। और ये इसके जो मडगार्ड है आई थिंक ये भी मेटल के है ना? हाँ मेटल की दे रखी है इसमें, जितनी भी एसेसरी जैसे मडगार्ड हो गया, मडगार्ड हो गया, इंजन कवर्स हो गए, सब मेटल है, मेटल लुक है। और दिखने में भी काफ़ी फाइन लग रही है ये, इसका कॉम्बिनेशन भी ब्लू ब्लैक और ये ब्राउन सीट के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है, एक यूनिक ही बाइक देखने को लगती है। हाँ जी, तो भाई दीपक आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मिलता तो मैं आपसे मिलता ही रहता हूँ, छोटा भाई है मेरा ये भाई, आता ही रहता है, पागल बना रहा है ऐसे ही। छोटा भाई है मेरा, चाचा का लड़का है ये, मोमोज खान भाई, इसको मोमोज बहुत पसंद है, सीरियसली ये मोमोज बहुत है भाई, मेरे को मोमोज पसंद है, इसको लाल चटनी पसंद है। लाल चटनी बिल्कुल बहुत ही फेवरेट है, प्योर लाल चटनी खाता हूँ, मेरी फेवरेट है। तो भाई दीपक, आई होप आपका चैनल अच्छे से चल रहा होगा, आप अपने लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो। है, अच्छा ही चल रहा है, अभी दो दिन से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा क्या बिल्कुल, बन रहा है। बिल्कुल आपने वो ये रूम चेंज किया इसी वजह से थोड़ा हुआ नहीं, लेकिन अच्छा है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। आशा करता हूँ हमारे जो अभी तो खैर सब्सक्राइबर है नहीं इतने, लेकिन कोई नहीं भाई, जितने भी देख रहे हो भाई, देखो MRD के फैन हो, MRD भाई देखना चाहते हो आप तो यहाँ पे मैं आता रहूँगा, तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो बिल्कुल, और शेयर जरूर करना यार भाई, 1000 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, फिर हम करेंगे भाई लद्दाख राइड। लद्दाख राइड मैं भी जाऊँगा साथ में मेट्योर पे, मेरे पास मेट्योर 350 है तो उसमें हम दोनों जाएंगे लद्दाख घूमने, हमारे साथ हमारा एक और कज़न है, हम तीनों बंदे राइड के लिए जाएंगे। तीनों तो नहीं, और भी काफ़ी सारे और भी बंदे होंगे साथ में जाने वाले, हम दो तीन ब्लॉग में दो तीन ही दिखेंगे आपको बिल्कुल। FGX भी अपनी लेके जाएंगे, FGX लेके जाएंगे और मेट्योर से हम जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप मेरा व्लॉग? या आई थिंक मेरा ज़्यादा नहीं, मैंने अब तक 2 या 3 ही व्लॉग बनाए हैं, मैं फैमिली व्लॉग्स भी बनाता हूं। जैसा भी है लाइक कर दियो, क्योंकि भाई पहली वीडियो बना रहा हूं, पहली वीडियो मेरी जाके देखो कैसी है, तो लाइक कर। फर्स्ट वीडियो बनाने में जब एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे तो अच्छी वीडियोज बनती रहती हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, अभी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।